शुरू करें। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज मैं आपके सामने नरेंद्र मोदी सरकार के नापाक इरादों को पर्दाफाश करूंगा, नरेंद्र मोदी सरकार के साम दाम दंड भेद की नीति का पर्दाफाश करूंगा, नरेंद्र मोदी जी किस तरह से अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोकतंत्र का गला घोटकर संविधान की मर्यादा को तार तार करके दिल्ली की सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं, इसका एक एक करके खुलासा करूंगा। जो प्रयास उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर किया, जो प्रयास सीबीआई का इस्तेमाल करके फर्जी मुकदमा लिख के मनीष सिसोदिया को तोड़ने का किया, वो प्रयास अब दिल्ली के विधायकों के ऊपर शुरू हो गया है। दिल्ली के विधायकों को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। दिल्ली के विधायकों को मोदी जी अपने जांच एजेंसियों की धमकी दिलवाकर, अपने लोगों को भेजकर, पैसे का ऑफर करके, धमका के, डरा के तोड़ने का और दिल्ली सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच में अजय दत्त जी हैं दिल्ली के विधायक, संजीव झा जी हैं दिल्ली के विधायक, सोमनाथ भारती जी हैं दिल्ली के विधायक, कुलदीप जी हैं दिल्ली के विधायक, ये सब विस्तार से अपनी बातें बताएंगे, लेकिन इनके पास भारतीय जनता पार्टी में जो इनसे संपर्क के लोग हैं वो इनसे मिलने आते हैं, इनसे जिनका मित्रवत संबंध है, और धमकी भरे शब्दों में कहते हैं 20 करोड़ का ऑफर है ले लो, वरना जैसे मनीष सिसोदिया पे सीबीआई छोड़ दी, जैसे मनीष सिसोदिया पे ईडी छोड़ दी, जैसे मनीष सिसोदिया पर फर्जी मुकदमे लगा दिए, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए जाएंगे, ऐसे ही तुम्हारे ऊपर केस कर दिए जाएंगे। जब ये कहते हैं मनीष सिसोदिया पे तो केस फर्जी है, मनीष सिसोदिया पे तो केस बेबुनियाद है, तो वो इनको कहते हैं मुझे मालूम है बेबुनियाद है, मुझे मालूम है फर्जी है, लेकिन तुम्हें नरेंद्र मोदी जी का तरीका नहीं मालूम। नरेंद्र मोदी जी का तरीका यही है सरकारों को गिराने और तोड़ने का। तुम्हें नहीं मालूम कैसे खरीद फरोख्त की जाती है और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके निर्दोष आदमी को भी जेल के सिक्चों के पीछे डाल दिया जाता है। इस प्रकार की डराने और धमकी देने की बात कही जा रही है। जो प्रयोग शिंदे के ऊपर सफल हुआ वो प्रयोग सिसोदिया के ऊपर मोदी जी का फेल हो गया, और वो वह प्रयोग हमारे इन चार विधायकों पे किया जा रहा है, और इनसे ये भी कहा जा रहा है कि तुम टूटोगे तो 20 करोड़ मिलेगा, तोड़ के दूसरों को लाओगे तो 25 करोड़ मिलेगा, 20-25 विधायक हमारे संपर्क में हैं। इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं। नरेंद्र मोदी जी, मैं कहना चाहता हूं आपसे, शर्मानी चाहिए आपको। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए काम कर रहे हैं, एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था देने के काम कर रहे हैं, एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लोगों को फरिश्ते योजना के तहत उनको अच्छा इलाज देने का काम कर रहे हैं, एक तरफ दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली दे के गरीब के घर में रोशनी करने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली के लोगों को निशुल्क जल की व्यवस्था कर रहे हैं, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा कर रहे हैं, और हमारे बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा निशुल्क अच्छे इंतजाम के साथ कर रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जो मिशन चला रहे हैं पूरे देश में,
कि भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है, नंबर वन देश। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने 3 बार आपको मोदी जी दिल्ली के अंदर हराया, और पंजाब में प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद गुजरात पहुंचते हैं और कहते हैं हम निःशुल्क जहां पर भी वो सेवाएं देंगे जो हमने दिल्ली में दिया पंजाब में दिया, निःशुल्क बिजली देंगे, शहीदों की शहादत पर उनके परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि देंगे, निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था देंगे, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था देंगे। केजरीवाल को चिंता है देश की, केजरीवाल को चिंता है दिल्ली की, नरेंद्र मोदी जी आपको चिंता है विधायकों को तोड़ने की, आपको चिंता है सीबीआई के मुकदमे दर्ज करवाने की, आपको चिंता है ईडी के मुकदमे दर्ज कराने की, आपको चिंता है एक अच्छे शिक्षा मंत्री पर छापे मरवाने की, आपको चिंता है अरविंद केजरीवाल के शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को बदनाम करने की, आपको चिंता है अपने मित्रों को लाखों करोड़ रुपए बैंकों का कर्जा माफ करने की, आपको चिंता है 5 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति मित्रों का टैक्स माफ करने की, आपको चिंता है हिंदुस्तान की 6.5 लाख करोड़ की संपत्तियां बेचने की। आप रेल बेच रहे हो, आप सेल बेच रहे हो, आप कोल बेच रहे हो, आप एयर इंडिया बेच रहे हो, आप पोर्ट बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, स्टेडियम बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। आपको देश बेचने की चिंता है, अरविंद केजरीवाल को देश बचाने की चिंता है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मोदी जी, जो प्रयास दूसरे राज्यों में किया वो बंदर घुड़की का प्रयास दिल्ली में मत कीजिए। यही प्रयास आपने एक बार पहले भी किया था हमारे ऊपर, आपको याद है जब हमारे विधायकों ने कहा हमको ऑफर आ रहा है, हमारे साथ खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है, पूरी भाजपा चिल्ला रही थी कहां हुई कोशिश, कहां हुई कोशिश। हमने अपने विधायक से ही तुम्हारे नेता का स्टिंग करा लिया मोदी जी, हमारे विधायक ने ही आपके नेताओं का स्टिंग करके सामने कर दिया। इसलिए अपने लोगों को डरवाने धमकाने के लिए, समझाने के लिए, तोड़ने के लिए भेजने से पहले जरा सावधान रहना, ये दिल्ली है, यहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये केजरीवाल के सिपाही हैं, ये लड़ेंगे, ये बिकने वाले लोग नहीं है। याद रखना 28 थे तब भी आपकी कोशिश नाकाम हुई, 67 थे तब भी आपकी कोशिश नाकाम हुई, 62 है तब भी आपकी कोशिश नाकाम होगी। किसी भी इस प्रकार के प्रयास में मत पड़ो। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं और वो काम करते रहेंगे। मैं एक एक करके अपने विधायक साथियों से कहूंगा कि वो अपनी बात रखें। सबसे पहले सोमनाथ दाती जी। सत्ता और पैसा का दुरुपयोग के बल के आधार पर प्रजातंत्र का चीरहरण कैसे होता है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम साथी आपके सामने रखेंगे। राष्ट्रीय स्तर के भाजपा के नेताओं में से एक जो मेरे मित्र भी हैं, उनके मार्फत भाजपा के शीर्ष के नेताओं ने मेरे साथ एक प्रयास किया। कहते हैं कि या तो हमारे हो जाओ या फिर जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी के साथ ईडी और सीबीआई का फर्जी मुकदमा करा के आपकी दुर्गति करेंगे। कहते हैं कि 20 करोड़ रुपया
आपके लिए तैयार है। जिस वक्त चाहोगे राजी हो जाओगे, पहुंच जाएगा। और चूंकि पार्टी में आप पुराने नेताओं में से एक हो, तो और विधायकों को अगर लेकर के आओगे तो आपका रेट 25 का और बाकियों को 20 का। प्रजातंत्र में ऐसी नीचता मैंने पहले कभी नहीं देखी। जब मैंने कहा कि भाई मनीष जी का तो केस झूठा है, फर्जी है, तो कहते हैं कि हमें भी पता है फर्जी है, लेकिन जो ऊपर के नेताओं ने फैसला किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराना है, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। कहते हैं हमारे साथ 20-25 विधायक ऑलरेडी संपर्क में हैं, उन पर कार्य चल रहा है, भाजपा के विभिन्न नेताओं को ड्यूटी मिली है। डरा के, धमका के, लालच से, एन केन प्राकरेन किसी प्रकार से उनको लेकर के आओ। हमने कहा भाई इस प्रकार की घटिया राजनीति करने से आप लोगों को शर्म नहीं आती? बोले भाई सब कुछ जायज है, आप बताओ कि आपने बात माननी है कि नहीं माननी है। चूंकि मेरे पुराने जानकार रहे हैं, काफी देर समझाने का प्रयत्न किया, जब वो हार मान, जब उनको हार का सामना करना पड़ा, जब मैंने अपने हथियार उनके सामने नहीं डाले, तो कहते हैं कि देख लो। फिर भाजपा के नेता क्या करते हैं आपके साथ, फिर उसकी जिम्मेवारी आपकी होगी। मैं बड़ा सुन के दंग रह गया। मैं सोच रहा था कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे भारत को नंबर एक बनाने में लगे हुए हैं, उनको कहा भी कि ठीक है आपसे आप जो है बेहतर ये होता कि मोदी जी पूरे देश के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इकट्ठा करते और विभिन्न राज्यों के जो अच्छे प्रैक्टिसेज हैं, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसको एक दूसरे से सिखवाते। किस प्रकार से केजरीवाल जी ने दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, विभिन्न तरीकों से जनता के समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न किया है, इसको देशव्यापी कैसे बनाया जाए, ये प्रधानमंत्री का दायित्व था। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? पैसा और सीबीआई ईडी के बल पे देश के अंदर विभिन्न सरकारों को, जनता के सरकारों को, जनता के मैंडेट को झूठा साबित कर रहे हैं। जनता सरकारें बनाती हैं, ये पैसा और ईडी के बल पे सरकारों को तोड़ते हैं। हमने कहा उस नेता को कि देश में सर्वव्यापी समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, भुखमरी की समस्या है, असुरक्षा की समस्या है, इन समस्याओं का समाधान प्रधानमंत्री केजरीवाल जी के मॉडल से पूरे देश में उसको व्याप्त करवाते और देश और राज्यों के अंदर इसको लागू करवाते। और प्रधानमंत्री जी के पास इतना समय है, चीन की समस्या खत्म हो गई, पाकिस्तान की समस्या खत्म हो गई, तो बड़ा
कटाक्ष करते हुए उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि सपने मत रहो सोमनाथ जी, आप चाहे ना चाहे दिल्ली की सरकार तो गिराएंगे गिराएंगे हम। मुझे बड़ा रोना है कि भई किस प्रकार का हरकत चल रहा है। तो इस बात को पार्टी के शीर्ष के नेताओं के संज्ञान में लेके आया और फिर फैसला किया कि आपके माध्यम से देश को मालूम पड़े कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग और नोटबंदी के माध्यम से जो लाखों करोड़ों इकट्ठा किया है भाजपा ने, उसका दुरुपयोग करके जनता की चुनी हुई सरकारों के साथ क्या कुठाराघात कर रही है भाजपा, किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की हत्या कर रही है, ये आपके सामने रखा जाए। धन्यवाद। अब दिल्ली के विधायक बुराड़ी से मैं संजीव झा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। और आपने देखा कि किस तरीके से सोमनाथ जी ने आप इधर आ जाइए, सोमनाथ जी ने बताया कि इनका ऑपरेशन लोटस हमारे विधायक और मनीष सिसोदिया जी ऑपरेशन बोगस बना रहे हैं, ये बात मोदी जी को समझना चाहिए। संजीव झा जी, मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस किस तरह से काम करता है आज हम सब लोग आपके सामने रख रहे हैं। कांग्रेस जो सोमनाथ भाई ने वाक्या बताया, कुछ इसी तरह से भी हमारे पास एक पूर्व विधायक आए थे जो निजी तौर पर मुझे जानते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब, अब आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, आम आदमी पार्टी अब खत्म होके रहेगी, तो आज मैं आपके लिए एक ऑफर ऊपर से लेके आया हूं, अगर आप आम आदमी पार्टी छोड़ते हैं तो आपको 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और बिल्कुल जैसा सोमनाथ भाई ने कहा कि चूंकि आप पुराने विधायक हैं, आपके रिश्ते बाकी विधायक से अच्छे हैं, तो अगर आप बाकी विधायक को तोड़ के लाते हैं तो आपको 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और हमने कहा कि अगर मैंने मना किया तो कहा कि उदाहरण आपके सामने है कि जो कुछ भी मनीष सिसोदिया के साथ हुआ, एक एक विधायक के साथ ऐसा ही होगा। हमने उनको पूछा भी, भाई साहब आप तो जानते ही हो कि वो इतना अच्छा शिक्षा में काम किया है, वो बेकसूर हैं। हाँ बिल्कुल पता है बेकसूर हैं, उन पर फर्जी केस लगाया गया। यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप आज मोदी जी की ताकत को आप नहीं जानते, उसी तरह के फर्जी केस में सबको लगाया जाएगा, जो मान गया ठीक और जो नहीं माना वो इस तरह का केस झेलता रहेगा। मेरा तो खून खौल गया सुन के। हमने कहा देखो जी, ये ऑपरेशन और ये बातें आप आम आदमी पार्टी के विधायक हम मुझे नहीं जानते, हम लोग कट्टर ईमानदार लोग हैं, और आपके इस तरह की जो भी लोग ऊपर से आप, चूंकि आपके संबंध मेरे से अच्छे हैं, लेकिन जिन किसी ने आपको ये कहा है उनको कह दीजिएगा कि आपके इस तरह की धमकी से हम लोग डरने नहीं वाले, आपको जो करना है, जितने केस लगाने हैं वो केस लगा लो, आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लोगों ने बहुत उम्मीदों से चुना है और देश की उम्मीदें अब हैं, उस उम्मीद को हम जाया नहीं होने देंगे। और मैं क्या, उसने ये भी कहा कि आपके 15-20 विधायक संपर्क में हैं,
तो आप तैयार हो ना हो, सरकार तो नहीं आपकी रहने वाली। तो मुझे यह लगता है कि आज इस देश में क्या हो रहा है। मैंने उनसे पूछा भी कि भाई साहब, एक भारतीय होने के नाते आप सोचो कि नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी मेजॉरिटी से देश की जनता ने उनको चुना है, बहुत उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री जी से। आपको नहीं लगता कि आज एक तरफ जनता महंगाई से त्रस्त है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, प्रधानमंत्री जी को उनके लिए काम करना चाहिए? ये चुनी हुई जनता की चुनी सरकार को तोड़ने से उनको क्या मिलेगा? और खासकर दिल्ली में, आज जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार काम कर रही है, आज दिल्ली के शिक्षा का, दिल्ली के स्वास्थ्य का लोग केजरीवाल मॉडल की प्रशंसा कर रहे हैं, पूरे देश के सरकारें भी उसको उदाहरण मान रही है। अलग अलग राज्य की सरकारें कहती है कि नहीं, अब दिल्ली जैसा शिक्षा मॉडल हम अपने यहां लाएंगे, हम जाके वहां सीखेंगे। तो एक भारतीय होने के नाते आपको नहीं लगता कि इस तरह की सरकार को काम करनी चाहिए? और प्रधानमंत्री जी को, जो इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या उनको शोभा देता है? तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि देखिए, चूंकि आपसे संबंध अच्छे हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए मैं आपको समझाने आया था। कल आप मुझे नहीं कहिएगा कि आपने मुझे आगाह नहीं किया। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। मुझे लगा कि ये सारी बातें हमारे लीडरशिप संज्ञान में आना चाहिए। मैंने अपने लीडरशिप से बात को बताया और फिर आज मुझे लगा कि आप लोगों के जरिए भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस पूरे देश को भी समझना चाहिए। जय हिंद। अब मैं निवेदन करूंगा कुलदीप कुमार जी से, हमारे विधायक, वो आपको, उनके साथ जिस तरीके से खरीद फरोख्त की कोशिश की गई वो अपनी बात रखेंगे। जैसा भी संजीव भाई और सोमनाथ जी ने बताया, उसी प्रकार से ये गंदी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी दिल्ली के बड़े नेता हैं, जो मेरे जानकार भी हैं और मेरे जानकारों के जानकार भी हैं। उन्होंने मुझसे संपर्क किया, मुझसे मिले और मुझसे संपर्क करके उन्होंने कहा कि कुलदीप भाई, अब तो दिल्ली से आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली है और हमारी भी इस मुहिम में ड्यूटी लगाई गई है कुछ साथियों की, तो आपके पास मैं आया हूं और मैं तो चाहता हूं कि आप भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों, और अगर भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल होते हैं तो 20 करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे और आपके संपर्क में जो भी साथी विधायक हैं जिनको आप ला सकते हैं, अगर उनको भी आप लेकर आते हैं तो 20-20 करोड़ रुपए उनको और 25 करोड़ रुपए आपको दिए जाएंगे। मैंने कहा, हम तो आम आदमी पार्टी के कट्टर सिपाही लोग हैं, आंदोलन से निकलकर आए हुए लोग हैं। हम तो आंदोलन से निकल के आए हुए लोग हैं। उन्होंने कहा कि भाई, वो तो बात ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं आते हैं तो आपके साथ भी जिन लोगों ने मुझे भेजा है वो लोग वही करेंगे जो मनीष सिसोदिया जी के साथ किया है। मैंने कहा, मनीष सिसोदिया तो बेकसूर हैं। कह रहे, हमें पता है वो बेकसूर हैं, हम जानते हैं। आप सोचो, जब उनके साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? अगर आप नहीं आएंगे तो ईडी और सीबीआई और बहुत सारी संस्थाएं उन लोगों के पास हैं जिन्होंने मुझे आपके पास भेजा है बात करने के लिए। फिर आपको सब पता है वो किस प्रकार से आपको परेशान करेंगे और आप पे फर्जी मुकदमे लगाने का काम करेंगे।
तो हमने उनसे कहा कि भाई हम तो कट्टर आम आदमी पार्टी के लोग हैं और हम अपनी पार्टी से और इस देश से गद्दारी नहीं कर सकते, हम अरविंद केजरीवाल जी से गद्दारी नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आगे अंजाम आपको देखना है किस प्रकार से, आपको सब पता है कि सरकार तो दिल्ली में टूटेगी, टूट के रहेगी, चाहे उसके लिए उन लोगों को कुछ भी करना पड़े, तो अगर आप साथ आओगे तो अच्छा रहेगा। हमने उन्हें कहा कि हम बिकने वाले लोग नहीं हैं, टूटने वाले लोग नहीं हैं, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन से निकल के आए हुए कार्यकर्ता हैं। आज मोदी जी, जिनको पूरे देश ने बड़ी उम्मीद के साथ चुना था, देश के लोगों ने इस उम्मीद से चुना था कि बेरोजगारी की समस्या को, महंगाई की समस्या को, गिरती हुई जीडीपी की समस्या को मोदी जी संभालेंगे, लेकिन आज वो ऐसे हथकंडे अपनाकर जनता की चुनी हुई सरकारों को, जिन्हें जनता ने वोट देकर चुना है, उन सरकारों को इस प्रकार से खरीद पर को करके तोड़कर, धन बल के आधार पर तोड़कर खरीदना चाहते हैं। और आज ये पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, चाहे बिहार की बात हो चाहे झारखंड की बात है, पूरे देश भर में किस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को दिल्ली में तोड़ने का काम कर रही है, और ये बहुत दुखद है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग, जैसा भी हमारे सभी साथियों ने बताया कि सभी कट्टर ईमानदार लोग हैं, कट्टर देशभक्त लोग हैं, हम लोग झुकेंगे नहीं, हम लोग डरेंगे नहीं, और यही बात हमने पार्टी हाईकमान को बताई और आज आप लोगों के सामने आके हम अपनी बात को रख रहे हैं। अजय दत्त जी, अजय दत्त जी हमारे दिल्ली के अंबेडकर नगर के विधायक अजय दत्त जी हैं, उनके साथ भी खरीद फरोख्त की कोशिश की गई, वो आप विस्तार से आपके सामने अपनी बात रखेंगे। देखिए, ये बहुत ही गंभीर और दुखद विषय, अभी मुझे एक मेरे पुराने जानकार हैं, एक दूसरे स्टेट के मेरे जानकार हैं जो पूर्व में सांसद रहे हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे कहा कि भाई दिल्ली की सरकार गिरने वाली है और तुम आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ आ जाओ। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्यों गिरने वाली है, ऐसा क्या हो गया है? तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में वो बहुत सारे विधायकों के साथ उनके संपर्क में हैं और वो सब भी उनके साथ आने वाले हैं, अगर आप हमारे साथ आते हो तो आपके 20 करोड़ रुपए का ऑफर है। मैंने कहा अगर नहीं आएंगे तो? तो उन्होंने कहा भाई जैसा मनीष सिसोदिया जी के साथ हो रहा है, ऐसी सीबीआई के और बहुत सारी एजेंसीज के केस में आपको फंसा दिया जाएगा। मैंने, हम तो ईमानदार लोग हैं कि जी, ईमानदार तो तुम्हारे मनीष सिसोदिया भी हैं। तो मैंने कहा क्या इस देश में किसी को भी कैसे ही फंसा देते हैं? कह रहा बिल्कुल। तो मैंने कहा हम तो बिकने वाले लोगों में से है नहीं, ईमानदार लोग हैं, और ये तो गलत है। आप इस देश के अंदर जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हो, सरकारें गिरा रहे हो, तो उन्होंने कहा आप सोच लो एक बार, क्योंकि बहुत सारे और विधायक हैं जिनको हम ऑफर दे रहे हैं और वो आ जाएंगे, आप भी आ जाओ। मैंने कहा देखो, अजय दत्त बिकने वाले लोगों में से नहीं है, हम लोग अपना सब कुछ छोड़ के आम आदमी पार्टी में आए हैं, और मैं जीवन में कभी भी ना तो अपनी पार्टी से गद्दारी करूंगा और ना उस जनता से गद्दारी करूंगा जिसने मुझे चुन के यहाँ भेजा है। आप कितने भी ताकतवर हो सकते हो, आप मनीष जी को चाहे कितने भी फर्जी केसेस में फंसा सकते हो या हमें फंसा लो, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं और ना ही जनता से और अपनी पार्टी से गद्दारी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जो बीजेपी है बहुत ताकतवर है, आपको समझा रहा हूँ, आप इसकी ताकत को समझो, नहीं तो आपको बहुत कुछ झेलना पड़ जाएगा। मैंने कहा ठीक है,
देखेंगे। उन्होंने कहा बहुत सारे विधायक हैं दिल्ली के जिनके हम संपर्क में। मैंने कहा चलो आप अपना काम करो। उन्होंने मुझे काफ़ी समझाने की कोशिश की और मैंने उन्हें कह के बोल दिया कि आम आदमी पार्टी जो देश के लिए काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी जिनको आपने सीबीआई के फर्जी केसेस में फंसाया है, क्या ये सही है? उन्होंने कहा हाँ, हमें पता है कि सीबीआई के फर्जी केसेस में फंसाया जा रहा है और जो नहीं मानेगा उसको भी फंसाएंगे। तो मैंने कहा कि भाई देश की जनता ने केजरीवाल जी को वोट दिया, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया और उसी जनता ने मोदी जी को भी वोट दिया। क्या आप उस जनता के साथ ये बदला ले रहे हो जिन्होंने दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया? और बाकी आपने महाराष्ट्र में भी जो सरकार गिराई तो आप तो पूरे देश की जनता से बदला ले रहे हो। उन्होंने कहा अभी तो हमारी चल रही है भाई साहब और हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तो मैं बहुत दुखी हुआ और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस देश को बदलने के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आए, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जनता ने बड़े उम्मीदों से आम आदमी पार्टी के लोगों को वोट दिया, दिल्ली में अच्छी सरकार बनी, शिक्षा में काम हुआ, स्वास्थ्य में काम हुआ और ऐसी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, बहुत शर्मनाक है। और फिर हम जैसे लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है जो अपने सब कुछ त्याग के छोड़ के पॉलिटिक्स में आए हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं और देश देख रहा है। मुझे लगता है जनता के साथ बहुत बड़ा बदला लेने की कोशिश की जा रही है पूरे देश में और दिल्ली में, और मुझे लगता है जनता इसका जरूर समय आने पे जवाब देगी, क्योंकि ये देश लोकतंत्र और जनता जनतंत्र से चलता है, जमहूरियत से चलता है। और मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी को खरीदने की, आम आदमी पार्टी के एमएलए, हम जैसे एमएलए खरीदने की अभी तक कोई ना तो रकम बनी है और डराने वाली कोई ताकत भी बनी है। जय हिंद। तो सबसे पहले तो मैं अपने इन बहादुर साथी विधायकों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, दिल्ली की जनता और देश की जनता की ओर से, कि इन्होंने साबित किया कि ये केजरीवाल के और आम आदमी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, देश के लिए लोगों के लिए लड़ेंगे, दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की किसी धमकी, किसी बंदर घुड़की, किसी जांच, किसी सीबीआई और ईडी से ये लोग डरने वाले नहीं है। और भाजपाइयों, मैं तुमको बताना चाहता हूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने शिंदे और उनके विधायकों को धमकाकर तोड़ लिया होगा, आपने कर्नाटक के विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों को धमकाकर तोड़ लिया होगा, आपने अरुणाचल में कांग्रेस के विधायकों को धमकाकर तोड़ लिया होगा, आपने उत्तराखंड में विधायकों को धमकाकर सरकार गिरा ली होगी, आपने मध्य प्रदेश में तोड़फोड़ खरीद फरोख्त धमकी जांच करके सरकारों को गिरा लिया होगा, तोड़ लिया होगा। एक बार बिहार में भी आपने डरा धमका के सरकार बना ली होगी, लेकिन ये दिल्ली है, देश की राजधानी है, यहां पर अरविंद केजरीवाल को जनता ने प्रचंड बहुमत से चुना है, एक बार 67, एक बार 62 और पहली बार 28, तीन बार सरकारें बनाई हैं, कभी भी हमारा विधायक टूटा नहीं। जैसे मनीष सिसोदिया ने आपके नापाक इरादों को खुलासा कर दिया, ऐसे ही हमारे ये चार माननीय विधायकों ने आज आपकी असलियत, आपके नापाक इरादे और आपकी कोशिश जो आप करना चाह रहे थे, सिंदे प्रयोग जो सिसोदिया ने फेल कर दिया, ऑपरेशन लोटस जो ऑपरेशन बोगस बना दिया,
यहां ये कोशिश मत करो अरविंद केजरीवाल को शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पे, माताओं बहनों की पेंशन पे, माताओं बहनों की फ्री बस यात्रा पे और फ्री बिजली फ्री पानी पे काम करने दो, काम करने दो। ये मुफ्त की रेवड़ी बोलकर आलोचना करने से भी काम नहीं चलेगा। ये अपनी ईडी और सीबीआई छोड़कर डराने और धमकाने से भी काम नहीं चलेगा। गरीबों के ऊपर टैक्स का बोझ लाते हो मोदी जी, बच्चों के दूध पर टैक्स लगाते हो और अपने मित्रों का 5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स माफ करते हो, 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ करते हो और यहां तक कि DHFL जो 42,000 करोड़ का घोटाला करती है उससे 29 करोड़ रुपए आपकी पार्टी चंदा लेती है मोदी जी। तो आपकी असलियत पूरे देश के सामने आ चुकी है। कोई आपके प्रश्नों आप पूछ सकते हैं। सबसे बड़ा सबूत यह है कि मुकुल राय टूट के गए किसी मीडिया को नहीं बताया, शिंदे टूट के गए किसी मीडिया को नहीं बताया, कर्नाटक के विधायक, गोवा के विधायक, अरुणाचल के विधायक टूट के गए किसी को नहीं बताया। सबूत यह है कि मनीष सिसोदिया से लेके हमारे तमाम माननीय विधायक सामने आपको आकर बता रहे हैं कि इनको तोड़ने का प्रयास किया गया। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? सबूत माना था इन लोगों ने 28 में जब हमारे विधायकों को तोड़ रहे थे, दिनेश मोहनिया ने स्टिंग ऑपरेशन करके सबके सामने किया था। तो जो इनके इनके जिनसे भाजपा में भी अच्छे संबंध है उन लोगों से भेजकर शालीनता से धमकी देने का जो प्रयास किया गया उसको इन्होंने उजागर किया। तो इसलिए भाजपा जैसी पार्टी पर अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा तो मुझे आश्चर्य है, मुझे आश्चर्य। एक सेकंड, मुझे पूरा कर लेने दीजिए, आपने सवाल पूछा, मुझे आश्चर्य है। जिस पार्टी ने मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दिया, जिस पार्टी ने गोवा में तोड़फोड़ करके सरकार बना दी, जिस पार्टी ने कर्नाटक में मंत्री और करोड़ों रुपए का खोखा खोखा चल रहा है वहां महाराष्ट्र में, बताइए विधायक अंदर जा रहे हैं वहां खड़े होकर प्रदर्शन हो रहा है, खोखा खोखा, 50 खोखा 50 खोखा, ये हो गई है भाजपा। भाजपा को लोग आजकल 50 खोखा कह रहे हैं, 50 खोखा नाम हो गया भाजपाइयों का। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। पूरा देश और पूरे देश की सरकारें इनके तोड़फोड़, इनके लोकतंत्र की हत्या की कहानी कह रहे हैं और इसलिए यह सबूत अपने आप में पर्याप्त है कि ये विधायक और मनीष सिसोदिया जी सामने आके बता रहे हैं टूटने से पहले, क्योंकि इनका टूटने और झुकने और रुकने का इरादा नहीं। संजय जी, जैसे स्टिंग ऑपरेशन पहले हुआ था क्या ऐसा इस बार भी हुआ है? आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? मैंने आपको बताया ना कि जब हम कह रहे थे कि 5-5 करोड़ में विधायक खरीदे जा रहे हैं, 28 जब हमारी सीटें थी तब भी किसी ने विश्वास किया हो, किसी एक बीजेपी के नेता ने आपके आगे आके स्वीकार किया हो कि हाँ ऐसा हमने प्रयास किया, तब तो नौसिखिए थे बेचारे 2013 में। अब तो 8 साल सत्ता हो गई, इतना एक्सपीरियंस हो गया, पता चल गया ईडी सीबीआई दिल्ली पुलिस से कैसे मुकदमे लिखवाए जाते हैं। तो अब आपको अभी भी अगर आपको विश्वास करने में मुसीबत हो रही है तो मुझे तो हैरानी है, मुझे परेशानी है इस बात से कि जो सीरियल ऑफेंडर है, यानी जैसे कोई आतंकवादी हो, वो कोई आतंकवादी घटना को अंजाम दे दे, तो आप ये सवाल पूछेंगे कि अच्छा ये आतंकवादी घटना में वो था कि नहीं था? अरे भाई ये सीरियल ऑफेंडर है, सरकारों को गिराने का, तोड़ने का इनका एक रिकॉर्ड है, इतिहास है, जो एक एक करके आपके सामने रख दिया। वही काम ये दिल्ली में कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया जी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं नहीं हम तुम्हारे ऊपर सीबीआई छोड़ेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को, केजरीवाल के मॉडल को बदनाम करेंगे। हां बताइए, किसी ने बताया आपको पहले? जिनको टूटना होता है वो बताते नहीं, ये तोड़ने वाले टूटने वाले लोग नहीं है, इसलिए सामने आके बता रहे हैं। और ये जरूरी नहीं है
कि कोई आदमी अगर आपके मित्रवत में है, संबंध में है, उसका अगर इस्तेमाल बीजेपी कर रही है तो उसके नाम का खुलासा आपके सामने करें, ये जरूरी नहीं है। और राजनीति में आप रहते हैं, हर दल में आपके मित्र होते हैं, संबंध होते हैं, लेकिन उनको भेजकर डराना, धमकाना, तोड़ना, तो ये एक प्रयास है। हाँ नहीं नहीं, एक एक करके बता दे। सोमनाथ जी ने बताया राष्ट्रीय स्तर के नेता, एक ने बताया पूर्व विधायक, एक ने बताया पूर्व सांसद, एक ने बताया पश्चिमी दिल्ली का नेता। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप बैठी थी, सब तो सुन रही थी आप। धन्यवाद।